नमस्कार दोस्तों, मिस्त्री अस्नूज में आपका स्वागत है। यदि आप जीवन में अधिक धन, सफलता, समृद्धि तथा अपनी मनचाही चीजें पाना चाहते हैं, तो आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना बहुत आवश्यक है। आकर्षण का नियम आपके लिए पूर्ण रूप से काम करे, इसके लिए पहले अपने अवचेतन मन के बारे में विस्तार से जान लेना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों कि आप आकर्षण का नियम आजमाना चाहते हैं, इसीलिए विस्तार में जानने के इच्छुक हैं। जीवन में कुछ भी इत्तफाक नहीं होता, हर छोटी से छोटी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन आने वाला है। यकीन मानिए, यदि आपने पूरे विश्वास के साथ इसके बारे में जानकारी ली और इसे जीवन में उतारने की कोशिश की, तो आपके जीवन में हर वह चीज सार्थक होगी जिनके सपने आप अभी तक देखते आए हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। सबसे पहले ये जान लेना अति आवश्यक है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है और आकर्षण का नियम काम कैसे करता है। आकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मांड की वह चुंबकीय शक्ति है जो व्यक्ति के विचारों और भावों से मिश्रित होकर निकलती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी आकर्षण के नियम का ही एक हिस्सा है। आपके प्रत्येक विचार से एक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो ब्रह्मांड में फैली हुई वैश्विक ऊर्जा से मिलती है। जब दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती हैं, तो आपका विचार आपके सामने वास्तविक बनकर आ जाता है। यह आकर्षण का नियम आपके जीवन में हर उस व्यक्ति, घटनाओं, परिस्थितियों तथा सफलता को वास्तविकता में घटित करता है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं। आकर्षण का नियम जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग इस आकर्षण की शक्ति को समझ पाए, वह विश्व के सबसे महान व्यक्ति बने। हम जब भी किसी चीज के विषय में बार बार सोचते हैं या कार्य को करते हैं, तो एक चुंबकीय शक्ति हमें और उस वस्तु के साथ जोड़ती है जिसे आकर्षण का नियम कहा जाता है। आकर्षण का नियम कहता है कि अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ आगे भी बुरा होगा, और यदि हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ आगे भी अच्छा ही होगा। आकर्षण का नियम हमारे विश्वास और हमारी मानसिक धारणाओं का संग्रह है। इसके आधार पर ही आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे अधिक आकर्षित कर सकते हैं। जो लोग आकर्षण के नियम में विश्वास करते हैं, वे लोग अपने जीवन में अत्यधिक केंद्रित रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके एक एक विचार उनका भविष्य बना रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन आकर्षण के नियम का सिद्धांत ही यही है कि जो इसमें जितना विश्वास रखता है उसके लिए यह उतना ही अधिक काम करता है। आइए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई भी काम करने से पहले ही आपको प्रतीत हो रहा था कि वह सफल नहीं होगा? आपने बहुत कोशिश की उस काम को सफल बनाने की, परंतु असफल हुए। हमारे मन में इस ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु को आकर्षित करने की चुंबकीय शक्ति है। यदि आपके मन की गहराइयों में कहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो वह बिल्कुल वैसा ही होगा। जैसा हमारा अंतर्मन विश्वास करता है, वह वैसी ही परिस्थितियाँ या चीजें आकर्षित करता है। यदि आप इतिहास के पन्नों में झांकेंगे तो पाएंगे कि हमारे ऋषि मुनि सदियों से इसका प्रयोग करते आए हैं। फिर भी आकर्षण के सिद्धांतों का उल्लेख सबसे पहले 1877 में लेखिका हेलेना ब्लावात्स्की द्वारा एक पुस्तक में किया गया था। 1886 में लेखक प्रेंटिस मूलफोर्ड ने पहली बार आकर्षण के नियमों के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था। हालांकि कई विद्वानों, मनोवैज्ञानिकों और अध्यात्म गुरुओं का मानना है कि यह दुनिया के शुरू होने के साथ से ही अस्तित्व में है, फिर भी यदि सबूत की तलाश में आप सभी धर्म ग्रंथों या इतिहास का गहराई से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि सभी महान राजाओं, संतों या धर्म गुरुओं ने आकर्षण के नियम को अपने जीवन में प्रयोग करके अपने लक्ष्य को हासिल किया था। यह विचार इसलिए भी सत्य है क्योंकि आप इतिहास पुस्तकों या फिलोसफर की बातों पर यकीन न करके यदि स्वयं के ही जीवन में थोड़ी गहराई से देखेंगे तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपने भी इस नियम का प्रयोग अपने जीवन में किया है। अंतर बस इतना है कि आपको पता ही नहीं था कि ये प्रकृति का एक नियम है और इसे जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग करके बेहतर जीवन जिया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप आपके ही जीवन की घटना देख लेते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी मित्र, सहपाठी या विदेश में रह रहे रिश्तेदार को बहुत शिद्दत से याद किया और कुछ ही क्षणों में उनका फोन कॉल आ गया हो?
या फिर आपने किसी को फोन किया और सामने वाले ने आपको बताया कि वह आपको ही याद कर रहा था। आशा करते हैं आपका उत्तर हाँ ही होगा। जरा सोचिए ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके और सामने वाले के विचारों की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मिली और किसी एक ने फोन किया। जब हमारे विचार ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलते हैं तो वे आपके विचारों को सार्थक रूप में परिवर्तित करता है। जैसा कि हमने पहले जाना, आकर्षण का नियम हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर काम करता है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी सही चैनल पर जाते ही उसकी आवाज साफ सुनाई देने लगती है, वैसे ही यदि हमारे विचार और भावनाओं की फ्रीक्वेंसी मिल गई तो आपका वह विचार आपका जीवन बदल सकता है। इन दोनों फ्रीक्वेंसी को मिलाने के लिए आपको इन विचारों को अपने मन में दोहराते रहना चाहिए। सिर्फ विचारों को मन में दोहराने की ही नहीं बल्कि उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए कि जब आपका वह विचार सच हो जाएगा तो आप कैसा अनुभव करेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि आपको कोई कार खरीदनी है तो उस कार के साथ आपके मन में ऐसे भाव नहीं होने चाहिए कि पता नहीं ये होगा या नहीं। ऐसे नकारात्मक विचार हानिकारक हैं। आपको अपने विचारों और भावनाओं पर पूरा विश्वास होना चाहिए क्योंकि आस्था और अविश्वास दोनों साथ काम नहीं कर सकते। आपको अपने आप पर पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। आप जिन बातों को सच होते हुए देखना चाहते हैं ब्रह्मांड से उसकी मांग करें, किंतु ब्रह्मांड से आप जिस वस्तु की मांग करते हैं वह बिल्कुल सटीक होना आवश्यक है। आपको अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही फोकस रहना होगा। उदाहरण के लिए यदि आपको नई कार चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि किस ब्रांड की कार चाहिए, कौन से मॉडल तथा किस रंग की चाहिए इत्यादि। हमारे अवचेतन मन को तर्क वितर्क करना नहीं आता। हम उसे जो विचार देते हैं वह बस यह देखता है कि हम उस चीज को कितना शिद्दत से चाहते हैं। आपके समझ से वे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आपका अवचेतन मन आपके उस विचार को जीवंत करने के लिए रास्ते बनाने लगता है। दोस्तों यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना।